जाओगे फिर? ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भोला मूवी, जी हाँ गाइस, जो अजय देवगन की फिल्म जो भोला है वो बॉक्स ऑफिस पर रेंगते रेंगते काम कर रही है और चल रही है। जी हाँ, तो 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए वो संघर्ष कर रही है और अजय देवगन की मूवी में अजय देवगन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। जी हाँ, तो मेहनत उनकी रंग नहीं लाई क्योंकि गाइस एक गलत तरीके पर डिसीजन लिया उन्होंने रिलीज करने का और ये मूवी रमजान एंड उस IPL के सीजन में रिलीज हुई। जी हाँ, तो एक डिसेंट ओपन के साथ इस मूवी ने 11 करोड़ 20 लाख रुपये की ठीक ठाक कमाई की और अपने 2 हफ्ते यानी कि 15 दिनों का कलेक्शन की बात करें तो 78 करोड़ 68 लाख रुपये इसने अपने 15 दिनों तक कमाए। जी हाँ, तो फिर उसके बाद बात करें यानी कि 20वें दिन की, सीधा डायरेक्ट 20वें दिन की बात करते हो, 20वें दिन तक ये मूवी कमाई कर चुकी थी लगभग 87 करोड़ 68 लाख रुपये। जी हाँ, तो 87 करोड़ 68 लाख रुपये इस मूवी ने 20वें दिन कमाए और 21वें दिन की बात करें तो आज के दिन ये मूवी 1 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। यानी कि इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन 21 दिनों का बैठता वो बैठ रहा गाइज लगभग 88 करोड़ 68 लाख रुपये। तो देखना दिलचस्प होगा अब ये वाकई में क्या 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। जी हाँ, तो 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए इसको मात्र और मात्र अच्छी खासी कमाई करनी पड़ेगी और 12 करोड़ रुपये की इस मूवी को कमाई करनी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल सा टास्क लग रहा है क्योंकि गाइस जस्ट 2 दिन बाद किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने के लिए तैयार है क्योंकि वो सारी की सारी स्क्रीन इस मूवी के ले जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा अब ये मूवी कहां तक जाती है, क्या 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए पूरी तरह से रेडी आ जाए उनकी फिल्म या फिर इस मूवी को किसी का भाई किसी की जान से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी हाँ, तो कमेंट सेक्शन जरूर दोस्तों। बस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।